इस वक्त मैं हूँ सरेफा के मकाम पर, यहाँ पर नमक की कानें हैं। तो ये जो एक्टिव कान है जहाँ से फ़िलहाल नमक निकाला जा रहा है, तो उसकी तरफ आपको लेकर जाता हूँ। ये यकीनन एक खूबसूरत मंज़र होगा। तो ये कुछ मज़दूर अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्योंकि मुझे अंदर खुद एक बार मैं लिया, लेकिन मुझे डर डर लग रहा था। तो अब ये लोग साथ हैं, अब देखते हैं, अंदर जाते हैं, चेक करते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो चलिए, ये अदनान आमिर से मिल रहे हैं, शायद जानते हैं इनको। तो ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत सफ़ेद सी तह बेची हुई है ये। तो ये नमक का पानी जब रिसता है तो, और ये जब बाद में खुश्क होता है, तो इसलिए सफ़ेद लेयर बनती है। ये आप कह लें कि इसकी छत है। और आगे ये अंदर की तरफ जाने का रास्ता, ये यहाँ से मैं वापस हो गया था। आगे मुझे बड़ा अंधेरा लगा, ये जा रहे हैं। तो ये यहाँ से आगे, यहाँ से आगे काफ़ी तारीकी है। ये हो दूर तो नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। ये छोटी सी डिम सी जो लाइट नजर आ रही है, ये आगे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ जाता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें आप, अब्दुल्ला मिस्त्री ग्रुप या शहजाद बबड़ी वाला का पेज है जी। तो चढ़िया जय सरत द राइजिंग पाकिस्तान स्कूल ना दा नाइ मोदा कदरान चल सर स्कूल से दा जी। ना कोंडी रोड में ने शा सब रटे मला चार का भाई मुझे जी 5-6 साल का लड़का 5-6 साल ना दा अब कोलाव दा आजोड़ा तरंगुना खत्म शायद ही के ना शाशा ना तो से पर मजदूरे मंदे को वही टिके मंदे को वही दाजी मुझे पटके नहीं तो शाशा शा अब मंदे गुजारा में पके की चीज़ अगर चार खतरनों का दो शाला बाज़ार में गुजारा कई हाँ तो सौ रुपए जड़ी मिल गई जी शाया तो बचा खुश हो सा हाँ मैं बचा शाशा शा तकलीफ वाला चार दो बेर खाल हो इंसान दा। तब मैं यहाँ से वापस निकलने की सोच रहा हूँ, और ये फिर इस रास्ते में मेरे सामने अंधेरा है, और ये मुझे वो लाइट नज़र आ रही है जहाँ पे वो बाकी मज़दूर काम कर रहे हैं, और मुझे किस रास्ते पे जाना है। शुक्र है मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, बहुत डर लगता। और ये मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ये यहाँ से
हल्की सी रोशनी आ रही है, ये बाहर जाने का रास्ता है। यस, यही बाहर जाने का रास्ता है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ज़्यादा दूर इसमें मैं नहीं आया था, इतनी बड़ी सुरंग ये नहीं है, इतना बड़ा वो इसमें ज़्यादा भी खुदाई नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। और ये मैं बाहर आया, ये हमारी बाइक खड़ी है। सो वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, ज़रूर आएगा। खासकर गर्मियों में ये बहुत ठंडी होती है ऐसी जगह, सर्दियों का मौसम है आजकल, ये मतलब गर्म होती है। अस्पताल ठंडा होता है।